टाटा मोटर, टाटा मोटर पे बहुत बड़ी अपडेट दोस्तों आप, इसलिए कि एक साल होने जा रहा है टाटा मोटर के बारे में हमने बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया था कि एक लाख लगा दो और 50 करोड़ का घर, 2 करोड़ की कार। इसलिए कि हम याद इसलिए दिलाते हैं इस वीडियो में अपडेट के लिए पूरा इसकी एक साल का अब क्या होने वाला है, और ये आपको मैं बता दूं कि टाटा मोटर को लेकर जो इन्वेस्टर हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए लिए हैं, उनको भी ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। चलिए मैं बता दूं दोस्तों, आज जो टाटा मोटर बंद हुआ है 473 रुपया 70 पैसा पे, जी 473 रुपया 70 पैसा पे। और आज का वैल्यूम था दोस्तों इसका 1 करोड़ 87 लाख। इसका वैल्यूम था, लाख लाल नहीं लाख, 1 करोड़ 87 लाख, 10,700 से ज़्यादा ही इसका वैल्यूम ज़बरदस्त था, और हाई गया था 440 रुपया के आसपास और लो इसका 431, लेकिन 433 पे आके ये बंद हो गया दोस्तों। चलिए मैं बता दूं कि इसकी पूरी कुंडली भी बताना ज़रूरी है और क्या करने वाला है आपको, अगर बने रहेंगे इसमें तो क्या होगा, निकल जाएंगे तो क्या होगा, वो भी आप जान लीजिए। इसलिए कि 1 लाख करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन से बहुत ज़्यादा हो गया, 1,44,000 करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका हो गया दोस्तों, क्योंकि ये डिफेंस सेक्टर में भी ये काम कर रहा है और आप जानते हैं ट्रकों का बादशाह है। इसका फेस वैल्यू दोस्तों इसका 2 रुपया है और इसकी बुक वैल्यू है 170 रुपया 80 पैसा, 170 रुपया 80 पैसा बुक वैल्यू है। डिविडेंड इसका अभी कुछ भी नहीं दे रहा है। पीसी इसकी 26.03 है पीसी, और इसकी सेक्टर पी देखेंगे तो 48.92 है इसका सेक्टर पीई, 48.92 है। और इसकी वैल्यूम तो बता ही दिए आपको, मार्केट कैपिटलाइजेशन बता ही दिए। बीटा इसका 1.78 है, 7.18 है बीटा इसकी, सॉरी 1.78। अब देखिए दोस्त ये क्या करने वाला है, चल रहा है मार्च का महीना, मार्च अंतिम हो गया, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 महीने बाद ये टाटा मोटर आपको क्या करने वाला है, ये इस वीडियो में आप जानेंगे। अभी तक देखेंगे तो इसका 6 महीने में अभी तक कुछ भी प्रॉफिट नहीं दिया, जो 6 महीने से इसको लेकर रखे हैं। एक साल में इसका 46% इसका एक साल में 46% दिया है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए मैंने बोला था, और 3 साल के एवरेज देखेंगे तो 150% के आसपास, 3 साल में 150%, मतलब कि 1 करोड़ का 2 करोड़ 50 लाख
बना दिया 3 साल में। तो शेयर मार्केट में तो दोस्तों किसी तरह का इन्वेस्टमेंट से अच्छा तो है ही, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, इंश्योरेंस हो, या किसी तरह का कोई आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट, लेकिन बशर्ते कि इसे शेयर मार्केट की आपको जानकारी होनी चाहिए। और इसके पिछले सेशन में देखेंगे हम तो आपको ये पता चलेगा कि ये क्या किया था और क्या किया था कि बदले में आपको टाटा मोटर की फुल एनालिसिस आपको मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में, इसलिए कि रोज़ इतना बड़ा वीडियो टाटा मोटर के बनाने में हमें बहुत टाइम भी लगता है और आपको भी टाइम नहीं मिलता है। ये आपको मैं दिखा दूं कि अभी भी किसके किसके ये शेर खान का, इसमें शेर खान ने टारगेट दिया 610 का, शेर खान का टारगेट 632 का टारगेट प्रभुदास लीलाधर दिया है, ICICI डायरेक्ट ने दिया है 600 का टारगेट, मतलब कि उसके बाद मोतीलाल ओसवाल ने 565 का ये टारगेट इसका है, और 495 का टारगेट इसको KR चौके का है। इस तरह ये अपने ब्रोकर जो है अपना टारगेट दे रखे हैं। और इसमें आपको मैं बता दूं कि ये आने वाले समय में क्या करेगा, सबसे बड़ी बात ये है, लेकिन सबसे बड़ा 2019 में देखने को मिलता है। और बहुत बड़ी बात है कि फॉरेन इन्वेस्टर FII जो है बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट लिए हैं, अभी तक इतने युद्ध के बाद भी 14.57% शेयर होल्डिंग है FII का, और डोमेस्टिक वालों का भी लगभग इसी के आसपास है, मतलब FII और DII दोनों इसमें विश्वास और फेथ कर रहे हैं। पब्लिक का भी कम नहीं है, पब्लिक भी 25% से कुछ ज़्यादा है, और शेयर होल्डिंग इसका है 46 प्रमोटर का, 46% प्रमोटर का होल्डिंग है। तो ये एक तरह से कहेंगे कि बढ़िया है, और अभी भी लोग FII और DII की सबसे पहली पसंद ऑटोमोबाइल्स की दुनिया में, और ये टाटा मोटर लिमिटेड DBR जो इसका इसी का है, ये भी स्टॉक 200 के आसपास है, आइसर मोटर के क्षेत्र में काम करता है, 2480 रुपया का है, टाटा मोटर का बताई दिए कि 430 रुपया 70 पैसा का आज है। अब डेप्थ के बारे में देखेंगे तो डेप्थ इसका कोई माने नहीं, डेप्ट इक्विटी देखेंगे तो टाटा मोटर का 2.08 है, डेप्ट इक्विटी 2.08 है। उसी तरह आप देखेंगे टाटा मोटर DBR का भी, इसका भी तो 2.08 है, लेकिन आइसर मोटर का 0.1 है, मतलब 0 समझ लीजिए। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है, हमें आपको ये बताना है कि टाटा मोटर कहाँ तक जाएगा। जी दोस्तों, सबसे पहला टारगेट टाटा मोटर का 450 रुपया सबसे पहला टारगेट ये आने वाला है, 450 रुपया। अब 450 रुपया के क्या बात के बाद क्या करेगा वो हमें आपको बताना ज़रूरी है। जी हाँ, 450 के बाद क्या करने वाला है दोस्तों, तो 450 के बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये पहला टारगेट 450, दूसरा 500 और तीसरा 590, और चौथा टारगेट
आपको मैं बता दूं, चौथा टारगेट इसका आपको बता दूं, 635 रुपया। ये इसी रफ्तार से चलेगा, इसलिए कि ये लंबे रेस का घोड़ा है दोस्तों। और ये आप अगर ट्रेडर हैं और डिलीवरी में भी लेके रखे हैं, जो इन्वेस्टर भी हैं लॉन्ग टर्म के लिए, आप देखते रहिए, जब जब ये प्राइस आता है 450 का तो आप सेल करके प्रॉफिट बुक कीजिए, फिर नीचे जाता है तो ख़रीद कर रखिए, क्योंकि ये 500 जाने वाला है। 500 पर फिर बेचिए, 500 से बेचने के बाद फिर देखिए कि नीचे कब आता है, वहाँ पर ख़रीद लीजिए, क्योंकि ये 590 जाएगा दोस्तों। अब 590 पर बेचने के बाद फिर देखिए कि कहाँ नीचे जाता है, वहाँ खरीदिए, क्योंकि ये 635 रुपया जाने वाला है नवंबर में, नवंबर 2022। ये है टाटा मोटर का टारगेट नवंबर में 635 रुपया। तो आप जान लीजिए कि अगर अभी भी अगर 433 में ख़रीदते हैं और 635 रुपया पे आता है, तो 200 रुपया का आसपास, मतलब कितना परसेंट हो गया, लगभग 40% 8 महीने में आपकी कमाई फिक्स है टाटा मोटर को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।